जहाँ क्विज 2014 में आए हुए हैं काफी सारे पार्टिसिपेंट, वहाँ देखने को मिल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग जजेस भी। आइए चल के बात करते हैं ऐसे ही एक जज से। सर दिव्यांशु सर, अभी अभी सर आपको देख कर आई जाती है। मेरी जगह में क्या गड़बड़ है? सर गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन आप फंसाते बहुत हो। सर आपने डायरेक्टर्स कट अभी जज किया, आपने स्ट्रीट प्ले भी जज करना है थोड़ी देर में, और कौन कौन से इवेंट है जो मतलब आपको जजिंग के लिए दिए हुए हैं? देखो इवेंट तो ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं था, पेमेंट मेरे को किसी की नहीं मिली है। मैं एक बात बहुत साफ साफ सारे कैमराज में देख के स्पष्ट रूप से ये बता दूं, बाकी शायद से एक स्टैंड अप कॉमेडी का कोई इवेंट है, आई हैव टू जज दैट ऑल्सो। एंड इट फील्स वेरी नाइस कि 5 साल पहले यू यूज टू बी अ पार्टिसिपेंट इन ऑल दीज इवेंट्स एंड आफ्टर 5 years यू आर जजिंग ऑल दीज इवेंट्स, सो इट्स ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू सर। बीइंग अ यूआईटी एलुमनी, आप यहाँ से निकले और आज नो डाउट बहुत ऊपर काम कर रहे हैं, एमटीवी के लिए काम कर चुके हैं, स्टिल कर रहे हैं, और एक जगह पे आप मतलब एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने सुना है काम कर रहे हैं, तो सर कैसा लगता है मतलब एक थिएटर से निकलकर, यूआईटी थिएटर से निकलकर बाहर काम करने में? देखो अच्छा बहुत लगता है, नो डाउट। मैं अपना सारा क्रेडिट आज तक नॉट वेरी ऊपर जो आप बोल रहे हैं उतना ऊपर नहीं, इट्स अ वेरी, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म राइट नाउ, बट स्टिल कि मेरा जितना काम, जो एक पर्सनालिटी डेवलप हुई, जो कुछ सीखने को मिला, वो सब यूआईटी में थिएटर की वजह से हुआ। आई वॉज ऑलवेज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रिएटिव फील्ड, अपने स्कूल टाइम से मैं थिएटर में था, एंड मनीष जिंदल थे आई रिमेंबर द फाउंडर ऑफ ऑस्मियम, एंड उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया यूआईटी के थिएटर ग्रुप से, एंड द नेक्स्ट 4 years द जर्नी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, नॉट वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी बम्पी राइड, बहुत लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी कुछ किया, खून पसीना दिया। अगर आप मेरी बॉडी पे देखेंगे तो बहुत सारे स्कार्स हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ थिएटर रिहर्सल्स करते हुए डंडा लग गया, कट गया, हाथ हो गया, एंड ये मेरी उंगली, ये वाली अगर आप देखेंगे ये उंगली टेढ़ी है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज रिहर्सल्स में कभी कुछ कुछ होता रहा। तो बहुत अच्छा लगता है यार, आज हम अगर मैं अभी भी देखूं एग्जैक्टली यहाँ जहाँ हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आज से 5 साल पहले हम यहाँ पे रिहर्सल करते थे, तो जगह वही है यार। मेरे हिसाब से इंसान को उसकी मेहनत, उसकी डेडिकेशन, उसकी पैशन बहुत आगे लेके जाता है, एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ये जो आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है स्केप न्यूज़ का, एंड इसको आगे लेके चलो, एंड यहाँ से आपके बेसिक्स बनेंगे इफ एनी वन ऑफ यू दे वॉन्ट टू गेट इन टू जर्नलिज्म, तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जर्नलिज्म इज नॉट ओनली न्यूज, अगर आपने ये जवानी है दीवानी देखी और अगर आप वो सब करना चाहते हैं तब आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये इंसान क्या क्या हरकतें करना चाहता है, ठीक है चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर, मेरी इतनी तारीफ की आपने। सर जैसे 5 साल पहले आप आए थे तो मिस्टर फ्रेशर, फिर ऑस्मियम, उसके बाद पॉपकॉर्न, उसके बाद जाते जाते कन्वीनर, फाउंडर भी सर, इतना सब कुछ 5 सालों में, मतलब पीछे में डिग्री मेरी 4 साल की थी, 4 सालों के बाद मतलब इतना कुछ किया आपने, मतलब इतना कुछ देख के लगता नहीं कि बस बहुत हो गया, या अभी मन करता है कि और करना है? यार अभी तो बहुत करना है, अभी मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ का 2% की है, 2%, 98% इज स्टिल लेफ्ट, आई एम जस्ट अ 22-year-old गाय, आई विल बी टर्निंग 23, एंड उसके हिसाब से आई थिंक इट्स गुड, इट्स ओके। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ मिस्टर फ्रेशर आप बने, मैं वो मैं नहीं होता, इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ अ टीम। अगर मैं मिस्टर फ्रेशर तब तक ना बन पाता जब तक मेरे साथ वाले वीक ना होते, वो वीक थे तब मैं मिस्टर फ्रेशर बना, सबका इनपुट था उसमें। ऑस्मियम में फैंटास्टिक फोर, हम ऑस्मियम के जितने मेंबर्स हैं हम सब जानते हैं उन्हें, सब मानते हैं उन्हें, शुभम राघव पुलकित में हमें से एक लिखता था, एक बजाता था, मैं डायरेक्ट करता था, मैं एक्ट करता था, एंड सबका एक बहुत तगड़ा इनिशिएटिव और एक मिक्स वो था। बाकी ये सबकी किस्मत है, अगर किसी ने आगे कोई रिसर्च में जाना चाहता है, कोई इसमें जाना चाहता है, आई एम दी ओनली ऑस्मियम मेंबर जो आगे जाके इज कंटिन्यूइंग इन द सेम फील्ड। तो कई बार क्या होता है आपको सारा श्रेय दे देते हैं कि हाँ ये हुआ इस बंदे की वजह से, ऐसे नहीं हुआ, इट्स ऑलवेज दी अदर वे अराउंड। ऑस्मियम मेड मी व्हाट आई एम, एंड आई फील आई एम वेरी हैप्पी टू रिप्रेजेंट ऑस्मियम एट अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल नाउ, दैट्स इंटरनेशनल लेवल। सर अभी कुछ टाइम पहले खामोश अदालत जारी है करके आपने प्ले डायरेक्ट किया था ऑस्मियम के लिए, वो प्ले आप लेके गए थे बिट्स गोवा, वहाँ पे आए थे सेकंड। तो सर मतलब यूआईटी से निकल के फिर यूआईटी में आना, एक प्ले डायरेक्ट करना, उसे स्टार्टिंग में ही इतने टॉप पे लेके जाना, सर गोवा में नो डाउट मजे तो सबने किए होंगे, तो ऐसा कोई एक पल जो आपको लगे कि मतलब बहुत अच्छा था, आप
फिर से एक बार करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मेरे लिए एक बहुत फक्र की ये बात थी, हमारे यहाँ की कई फैकल्टी थी, मेरी ऑनेस्टली फैकल्टी से कभी बनी नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे को कॉलेज में इतना देखे है नहीं, मैं अपने फोर्थ ईयर तक कच्छों में ही आता था, कच्छे नॉट लिटरली कच्छों में आता था, मैं शॉर्ट्स में आता था और मैं जीन्स वगैरह ये तो अब डालने पड़ते हैं, तो मोह माया है और कुछ नहीं है। अब मेरा बस करे मैं आज भी कार्गो में ही घूमूं, तो मेरी टीचर से कभी नहीं बनी। तो जब मेरे को कॉल आया ऑस्मियम वालों ने कहा कि सर हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट। तो एंड एक्चुअली आप ये चीज़ मानेंगे नहीं, अब मेरे लिए थिंग्स वर टफ। कॉलेज में से गलती होगी तो दिस ऑलवेज अ चांस टू इम्प्रूव, नाउ इट्स माई प्रोफेशन। अब कोई गलती का आपके पास स्कोप नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत बड़ी बात थी। खुशी दो मिनट की थी, पर जो अगले तीन महीने की रिहर्सल्स जो सारे मेंबर्स ने मिलकर करी, दैट वॉज स्टूपेंडस। सब लोगों ने मिलकर इतना काम किया। वन मोमेंट जो पूरी जर्नी का मेरे को सबसे अच्छा लगा, जब मैं उसी फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ के चाय पी रहा था एंड उस फैकल्टी ने पूछा तुम UIT में क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि सर ऑस्मियम वालों ने मेरे को इस बार ही हायर किया एज ए प्रोफेशनल डायरेक्टर। चला अच्छा 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 यही काम कर रहे हो आज? मैं कहा हाँ जी सर, अब और कुछ आता नहीं, चार साल यही किया है, यही कर रहे हैं आगे। कहते पैसे दे रहे हैं या वॉलंटियर ही? मैं कहा नहीं सर दे रहे हैं। कहते कितने में? मैं कहा सर 5 digits में दे रहे हैं। कहते कितने दे रहे होंगे? मैं कहा सर दे रहे हैं। कहते बताओ बताओ, ये देखो बताता नहीं कितने दे रहे हैं। मैं कहा सर 30,000। उनकी वो शक्लें देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आई वॉज अ फैकल्टी उस टाइम पे थिएटर डिपार्टमेंट के हमारे कॉलेज की, एंड आई वॉज सिटिंग विद द फैकल्टी जिन्होंने एक टाइम पे मेरी बहुत ली। बट उनके उस लेने में भी ना बहुत मजा था, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मेरे को। एंड वो कॉलेज टाइम पे हम कभी अपने प्रोफेसर्स की इज्जत नहीं करते ये वो, पर बाद में जाके यू एक्चुअली फील कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। गोवा में जो बेस्ट मोमेंट था वो ये था, याद करने दो थोड़ा। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकिनी गर्ल्स, मैंने पूछा भी नहीं, वो मेरे को तेरी शक्ल पे दिख गया था। गोवा में बेस्ट मोमेंट था यार, एक तो जर्नी बहुत प्यारी थी, और वहाँ जाके जो एक रिस्पेक्ट अपने मेंबर से मिलती है, ऑस्मियम इज समथिंग जिसको मैंने एक सीड से एक पेड़ बनता हुआ देखा है। तो अब उस पेड़ के वो जो फ्रूट्स जो आप लोग हैं जब निकल के आ रहे हो और आप एक वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सर बोलना इज मैंडेटरी, बट जब आपको चूज किया गया उस प्रोफेशन के लिए एंड देन आपको कोई सर बोल रहा है, इट्स अ वेरी वार्म हार्टेड रिस्पेक्ट जो आपको मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ऑल आई विश इज कि जैसे खामोश हुआ वैसे और प्लेस हो, मुझे और बार बार बुलाओ, मुझे बहुत सारे पैसे दो, मुझे अमीर बनाओ और मेरे से बहुत सारा काम कराओ। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऑस्मियम के साथ तो मैं हमेशा रहूँगा, और आप मानो या ना मानो मैं कभी बाहर जाके ये नहीं कहता आई एम अ पास आउट ऑफ UIT, आई ऑलवेज से आई एम अ पास आउट ऑफ ऑस्मियम दी थिएटर ग्रुप विच इज नाउ ऑस्मियम दी थिएटर कंपनी। तो आगे बढ़ो, अच्छा काम करो और नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सर गूंज 3 दिन का इवेंट है, आप आज ही है या फिर कल के लिए भी रुकेंगे? नहीं यार, मैं कल आया, मैं आज अपने इवेंट करूंगा एंड आई लीव टू नाइट क्योंकि कल मेरी शूटिंग है जयपुर में। ओके, तो कल अर्ली मॉर्निंग आई लीव फॉर जयपुर एंड वहाँ पे शूटिंग। सर शेड्यूल हेक्टिक नहीं होता, बिजी थोड़ा सा मतलब? हाँ, इट्स बीन 9 months मैं घर गया हूँ, मोर देन 9 months। बीच में जाता हूँ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, बट मेरी काम ही ऐसा है कि ट्रैवल बहुत ज्यादा है। ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद में यहाँ पे था 3-4 महीने, 2-3 projects चल रहे थे, खामोश चल रहा था, कुछ स्कूल्स में मैं पढ़ा रहा था, एप्पल बॉक्स थी मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी, और शेक्सपियर एंड सीजर चल रहा था शेमरॉक स्कूल में। उसके बाद मैं चला गया, आई वेंट टू बॉम्बे फॉर अ मंथ और सो, वहाँ पे आई वर्क विद द कंपनी थिएटर अतुल कुमार, उनके साथ वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे विनय पाठक, अनुराग कश्यप, कालके कोचलिन, उनके साथ बहुत ज़्यादा काम हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट था वो, तो 2 महीने आई वॉज ऑन दी हिल्स, मैं अपने हसीन वादियों में रोज की स्विम, सन बाथ, झाड़ू पोछे सब करते थे। एंड यू वोंट बिलीव, ऑस्मियम में जब ऑस्मियम ने मेरे को हायर किया, आई वॉज दी डायरेक्टर, मेरी मानी जाती थी। जब मैं कंपनी थिएटर में था, आई वॉज अ वॉलंटियर, द से अ, आपको लाइफ में सब कुछ देखना पड़ता है। तो पिछले 8-9 महीने में मैंने ये सब कुछ देखा है, डायरेक्टर बन के लोगों को सामान उठाने को भी कहा है, और वॉलंटियर बन के झाड़ू पोछा, गोबर उठाना, खेती बाड़ी करनी, ये सब भी किया, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वैसे ही आप सब लोग सीखोगे, ऐसी शक्लें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक बात और, कुछ ऐसा मोटिवेशनल जो सारे कॉलेज के लिए हो कि ये करो ये मत करो? यार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करो ये मत करो, मैं बस ये कहूँगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। बैठ जा, मैं बस ये कहूँगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। एक इंसान अपने पैशन की वजह से जाना जाता है। ए आर रहमान नहीं बनता अगर वो अपने उस म्यूजिक पे ना लगा रहता है, ऐसा नहीं है उसने फेलियर्स नहीं देखे।
आई हैव सीन मेनी फेलियर्स एंड आई एम जस्ट ऑन द फर्स्ट स्टेप. तो मानोगे नहीं, कॉलेज में आप कहते हैं हाँ बहुत बड़ी चीज़ हुआ, बहुत बड़े तोप, पर जैसे ही आप बाहर जाते हो यू नथिंग. संजय बसंती का डायलॉग सुने, कॉलेज में तो डीजे ये कर देते हैं, बाहर जाती 100 DJ हैं, डीजे पिस जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, डीजे पिसा, डीवी भी पिसा. तो मैंने भी वो सब फेस की है यार. एक चीज़ है कि बस टिके रहो. जैसे ऑस्मियम का एक मेरे को याद है, इट्स बीन लाइक 3 or 4 years हमने बनाया था, ये लाल रंग है खून का, ये लाल रंग जुनून का. तो वो जुनून आप में होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक उसी की वजह से आप अलग से जाने जाते हो एक 100 लोगों के क्राउड में, अंडर एंड अनलेस यू आर वेरी लॉन्ग सीक एंड यू हैव अ टर्बन. उसके अलावा आपका जो जुनून है वो आपको पहचानेगा, एंड दैट्स इट. और उसके अलावा कभी भी कुछ भी हो कॉन्टैक्ट में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल. आर तुम तो मेरे ही बच्चे हो इधर आ जाए, ठीक है, ज़्यादा नीचे मत जा बाकी. तो ध्यान रखो और अच्छे से काम करो और ब्ला 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 ब्ला. सो साइनिंग ऑफ, दिस इज स्केच न्यूज, आई एम दिव्यांशु मल्होत्रा, मेरे साथ है सक्षम. टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, साथियों, अमीगोस, चाओ.